एक्साइटमेंट uh, जैसे आपने बोला कि बहुत बढ़ चुकी है लोग सीजन टू से uh, सीजन थ्री के बारे में बात कर रहे हैं कि कब सीजन थ्री आएगा कब सीजन थ्री आएगा एंड लोगों के बीच में एक्साइटमेंट ये है की uh, रिंकी और अभिषेक की स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी क्या होएगा उनकी शादी होगी सो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट रिंकी एंड अभिषेक ऑल्सो रिंकी बहुत ही फैमिली नेम बन गया है तो लोग मुझे अपना दोस्त अपने फैमिली टाइप का मानते हैं तो अगर मैं कहीं आती जाती दिख जाती हूँ तो वो ऐसे अरे रिंकी तो बहुत ही फैमिली दोस्त जैसा वो मानते हैं तो रिंकी इज मोर पॉपुलर लेकिन हाँ मेरा एक्चुअल नेम सानविका है तो मैं उससे भी जानना चाहूंगी पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है आ... मतलब जो नए नए कैरेक्टर्स हैं जो उनके हैं बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है आप लोग को और उसके साथ, साथ रिंकी की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है जो केमिस्ट्री है सचिव जी की और रिंकी की वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है तो वो देखने को आपको मजा आएगा सीजन वन में तो हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी सीजन टू के टाइम पे जब स्क्रिप्ट मिली थी तो स्क्रिप्ट जब आप पढ़े थे तो वो पढ़ते वक्त ही बहुत फनी थी तो आप वो रिलेटेबल कॉन्टेंट वो आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है चाहे वो रिंकी की लाइफ में हो चाहे आ, मम्मी की लाइफ में हो चाहे किसी और की लाइफ में हो क्योंकि आपने आस पास की वो दुनिया देखी होती है तो ऐसा लगता है कि हाँ कि ये हुआ है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में ये हुआ है तो वो था रिलेटेबल था उस वक्त भी और वो फनी बहुत तो जब फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं बहुत हंसी थी बहुत ज्यादा हंसी थी स्पेशली वो जो चप्पल वाली जो चप्पल चोरी हो जाती है तो उस उसपे मुझे बहुत हंसी आई

और स्पेशली जब आप गांव वाव में जाओ तो उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है वो लड़कों से ज्यादा बात नहीं करती हैं तो उनकी जो दुनिया रहती है वो बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में रहती है तो उनके जो बिहेवियर रहते हैं लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ दैट इज वेरी डिफरेंट तो वो कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपनी सिस्टर से आ, लेने की कोशिश की है कि हाउ शी रियक्ट या फिर कुछ कुछ जो मैंने आजू बाजू के लोगों को देखा है तो सब चीज़ का मिश्रण बना के रिंगी को मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है लाइक विथ फुल ऑनेस्ट जितना मुझसे हो सका आ, उनकी साइकोलॉजी कि वो किस तरीके में सोचते हैं आ, वो अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं अगर उनका नेचर ऐसा है कम बात कर रहे हैं या शर्मा रहे हैं तो उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है कि वो ऐसे क्यों है आ, बाकी सारी चीजें जो रहती है ना आप एक कैरेक्टर के लिए नो लेते हो आ, छोटे छोटे यहाँ से वहाँ से लेकिन बाकी जो चीजें होती है वो आपको स्क्रिप्ट लेवल पे सारी चीजें प्रोवाइडेड रहती है तो जो हमारे राइटर हैं चंदन जी उन बहुत अच्छे से इस किरदार को लिखा हुआ है तो ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आई और कुछ अगर आपको डिस्कस करना रहता है तो फिर आप राइटर डायरेक्टर दोनों के साथ बैठ के आ, उस कैरेक्टर के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो कि यार ये ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है हाँ लेकिन मेरी मेमोरी ना इतनी वीक है कि <laughs> मैं शूट करके आती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ तो उस वक्त ओवरऑल फील बता सकती हूँ कि हमारा मूड बड़ा लाइट सा रहता था एंड शूट करने में बड़ा मजा आता था एंड uh, ऐसे बीटीएस मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट नहीं मतलब uh, रिंकी इज इज डिफरेंट डिफरेंट तो ऐसे वो परफॉर्म करने के बाद ऐसा कुछ बदलाव मुझ में पर्सनली नहीं आया है uh, लेकिन हाँ जब आप कोई भी क्राफ्ट को परफॉर्म करते हो तो धीरे धीरे जब आप सीखने लगते हो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है। वो 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 कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है तो धीरे-धीरे वो वो हम बहुत चेंजेस आए करियर को लेकर चेंजेस आए मेरे आसपास के लोगों को लेकर चेंजेस आए जिस तरीके से लोग मुझे देखते हैं अब uh, उस नजरिया में चेंज आया है uh, अब काफी रिस्पेक्टफुल हो गए हैं लोग जो पहले नहीं हुआ करते थे एंड <laughs> या और मतलब अभी कैरेक्टर्स वगैरह के लिए अच्छे कॉल्स आने लगे हैं मैं अपने चाहूंगी के आए। really की जहां मुझे कुछ करने मिले। कोई भी से जो बना देती है जैसे रिंकी इट विल स्टे इन पीपल्स हार्ट फॉर तो उसमें से निकलने के लिए डेफिनेटली मुझे काफी मेहनत लगेगी और मैं चाहती हूँ मैं कुछ एकदम डिफरेंट किरदार करू और पूरे के साथ जिससे लोगों को वो believable लगे क्योंकि लौकी हमारी एक सातवी कैरेक्टर है वो अलग से हिस्सा नहीं है वो पंचायत का हिस्सा है वो पंचायत की कास्ट है इसलिए लॉकी का प्रमोशन हुआ है क्योंकि कॉन्टेंट वाइज इसलिए क्योंकि लोगों को कनेक्टिविटी फील होती है वहां से Uh, जैसे कि इसमें गांव वाला सीन दिखाया है तो अधिकतर लोग जो है वो उस चीज से रिलेट कर पाते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रिलेट कर पाते हैं और हमने भी मतलब कहीं ना कहीं वो गांव का टच देखा हुआ है हम नानी के यहाँ दादी के यहाँ जब जाते हैं तो वो सही चीजें देखी हुई है ऑल्सो वो जो दुनिया बनाई है वो काफी बिलीवेबल दुनिया है उसमें फन है तो इसलिए लोगों को मजा आता है जो ये सीरीज है ये सब देखा है मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों ने देखा है तो ये एक माध्यम बना कि जिससे पूरी फैमिली साथ में आई है और हमारे पास ज्यादा कंटेंट नहीं है जो हम फैमिली के साथ देख सकते हैं तो ये वो एक सीरीज है जिसने लोगों को जोड़ा है और आगे भी ऐसी जोड़ते रहे और सब साथ में बैठ के मिल के देखे इस सीरीज को तो हमारी यही कोशिश है कि लोगों को हंसाएं और लोगों के चेहरे पे मुस्कान दे वो टंकी वाला सीन आई थिंक वो बहुत आइकॉनिक है जिस वे में वो शूट हुआ था और जिस वे में रिंकी को दिखाया गया है क्लिप हेंगर पे Uh, वो बहुत आइकॉनिक है तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो टंकी पे बैठ के चाय कौन पीता है यार <laughs> तो वो बहुत अच्छी चीज़ है पंचायत सीजन थ्री जल्दी आने वाला है आप लोग अपनी फैमिली के साथ सब मिल बैठ के देखिए एंड इस सीरीज़ को बहुत सारा प्यार दीजिए थैंक यू